सो जाना तो डिसाइडेड था ही कि पेन स्टेट से लेटर आ गया था, पर जैसे ही स्टोनी ब्रुक्स का मेल आया आई वॉज लाइक डन, डोंट नीड टू लुक एनी फर्दर. डैम, कांग्रेचुलेशंस. थैंक्स मैन. जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूपिड वीजा टू गो थ्रू नाउ. हाँ वो भी हो ही जाएगा. बाय द वे, हाउ डिड मॉम एंड डैड रिएक्ट? दे वर रिलेटेड ऑफ कोर्स. आई मीन टॉप थ्री प्रेफरेंसेस में से यूं ही मिल गया, और क्या ही चाहिए उन्हें. या मेक्स सेंस. बस अब एक आखिरी बार सबसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ यार. पता नहीं वापस कब टाइम मिलेगा ऐसे शांति से बातचीत करने का लोगों से. हाँ हाँ, अब तो आप बड़े लोग हो गए हो, अब तो अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा ना. चल चल, शायद अपॉइंटमेंट के बाद भी ना मिलूं. अच्छा एक बात पूछूं? पूछना यार, अगर तू US नहीं जा रही होती तो फिर भी मिलना बुलाती क्या? जा रही हूँ तभी तो बुला रही हूँ ना. नित्या यार सीरियसली, व्हाट गुड़िया स्टिल टेक्स्टेड मी. आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. देख व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, इट जस्ट फेल्ट रॉन्ग टू नॉट मीट यू वन लास्ट टाइम बिफोर आई लेफ्ट. I just don't get it यार, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो इंस्टा से पता चला कि you and Partha patched things up after so long. अच्छा, और वो मेरी गलती है? यार बता तो सकती थी ना तू, एक मैसेज या वॉइस नोट छोड़ने में कितना ही टाइम लगता है? भूल गए यार बताना, इतना भड़क क्यों रहा है? भड़क क्यों रहा है मतलब? देख I'm sorry, ठीक है अब जाने दे. ऐसे कैसे सॉरी, हक नहीं बनता क्या मेरा टू नो तेरे लाइफ में क्या चल रहा है? हक रियली? Since when do you care so much about me or my life? देख, तेरे और मेरे बीच में ना, I think I'm the only one who cares about our friendship. Is that so? और नहीं तो क्या? तूने कब सामने से मैसेज किया है? हर बार मैं ही मेहनत करता हूँ और तेरे ड्राई रिस्पॉन्सेस. बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी यार तन्मय. मेहरबानी नहीं, उसे दोस्ती निभाना कहते हैं. और तू तो ढंग से रिप्लाई भी नहीं करती यार नित्या, पता नहीं किस बात पर भड़क के बैठी हुई है. You really are so self-obsessed and dumb, तन्मय. Oh, is that so? Yes. I'm self-obsessed. Please elaborate. No, I don't think I would have taken the effort to see you or have this conversation with you if I wasn't going away in less than a month. I know. I just wanted to know if you knew or not. It's funny, na? How sometimes we just try to hold on to things the hardest, just moments before we know it's going to be out of our reach forever. But isn't that just human nature? I mean, we don't really learn the value of something till we've lost it, no? Have we? You know, lost each other. I mean, we've known each other for what, like 17-ish years now? But pichle 4-5 saalon mein aisa kya ho gaya, yaar? I don't think there was anything specific here. I mean, we just sort of drifted apart, na? And I guess we didn't try hard enough. I know I tried. Thank you.
just checking in on text isn't good enough, yaar Tanmay. Matlab? Matlab, you remember that night we were fighting on text and you said ki we should check in on each other to know what's going on every once in a while. Yeah. So? Sometimes that's just not good enough, na. Sometimes you need more than that. Yaar, Nitya, tab jitna ho paya utna to kiya na. That's just it. अगर सही में कोई रिश्ता निभाना है कोई दोस्ती निभानी है तो चेक इन से तो काम नहीं चलेगा ना कुनाशी बोलते ताई ताई अगर कुनाशी बांटते तू ताई तन्मय रे कशाला अरे बग ना यार तू कुछ बताती नहीं है तू कुछ मैसेज करती नहीं है उगाच आपली रोजची किटकिट अगं त्याला तुझं आणि पार्थचं माहित नाही का सगळं माहिती आहे ब्रेकअप झाला ब्लॉक केलं अगं ब्रेकअप कशासाठी झाला त्याचा ड्रामा गत आई अरे मग सांग ना त्याला गप बसेल तो पण नाहीये यार ते सगळं परत रिलीफ करण्याची एनर्जी माझ्यात ते पण त्याच्यासाठी गरज होती तेव्हा कुठे गायब होता तो मतलब यु नो तन्मय समटाइम्स शिट रियली गोज डाउन यार तब ना चेक-इन्स काम नहीं आते तब किसी दोस्त का वक्त चाहिए होता है यार पर नित्या वक्त भी तो नहीं था ना तभी प्रायोरिटीज कहते हैं यार उसे तन्मय तब तेरे पास मेरे लिए इसीलिए वक्त नहीं था क्योंकि तेरी प्रायोरिटीज की लिस्ट में मैं थी ही नहीं और जब तक मेरी बारी आई तब तक तो वक्त ही गुजर गया था एग्जैक्टली हुआ क्या था यार नित्या नित्या हे काय हे काय तुझं वय डॅड फाउंड आउट दॅट डे आणि बघा हे असे फोटो मुलांसोबत असे फोटो अबाउट यू अँड पार्थ ही फाउंड माय मेसेजेस आर फोटोज ही कॉल्ड पार्थ्स पेरेंट्स टू बे दे त्याचा नंबर दे त्याच्या बाबाशी बोलतो मी And that was that. You know, that wasn't even the worst part. The worst part was ki wo mujhe kuch bole nahi gaye. Matlab, I thought ki ek do thappad laga denge aur sab theek ho jayega. But he didn't talk to me for like 2 to 3 weeks. Kya bola wo? Ye shikola ka tulami. Took a really long time to settle things at home. That's when I really needed you. Or just anyone to be able to talk to. God knows what the fuck you were up to. Worth it. So that's where it all went wrong. Yep. Fuck. That has led to what? 2 years of animosity between us. After a point, it was just too much to explain and go through all over again. Yeah. It was just easier to... Ignore it and move on. Yeah, that. I guess the worst of the waves one has to ride alone, na? Huh? Such is life, Tanmay. Everything changes. Life, friends, relationships. Everything except change itself. Tell me about it. Achha, ek baat poochu. Huh? Was I wrong to expect you to be there for me? What? No. I mean, I knew you were busy, but I still kind of expected you to drop everything and be there for me, you know? Dekh yaar Nitya, we've been by each other's side for so long that it's almost second nature to expect that. Plus, isn't that why I got upset with you? When you weren't replying, talking, or even taking efforts, achse se.
I expected you to understand. Well, I guess I didn't... What? We just underestimated how much our lives changed with time. Yeah. I also was kind of expecting that 8th, 9th standard wala Tanma in my head, you know. But that is what ruined things between us, right? The expectations. Unfulfilled. For what it's worth, I always checked in on your Instagram to make sure you were doing well, huh? I know. I did too. So I guess Instagram isn't that bad then. Dekh yaar, Nitya, it's only a matter of time. Before that changes too? Chal.